Hello everyone. In this video, we will start a new chapter and the name of the chapter is Trigonometry. Trigonometry का lecture 1 होगा. यहाँ पर हम basic level से advanced level तक trigonometry को complete करेंगे. For competitive examination, ये video आपके लिए important रहेगी. Trigonometry को शुरू करते हैं. Trigonometry को apply किया जाता है triangle पे. अब हमारे पास जो triangle है, वो बहुत सी types की triangle होती है. ट्राइंगल होता क्या है? ट्राइंगल को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ए फिगर विथ थ्री आर्बिट्री साइड. ट्राइंगल क्या होती है? एक ऐसी फिगर जिसकी तीन साइड होती है और वो साइड जो हो अगर क्लोज हो हम उसे ट्राइंगल कहते हैं. साइड जो होती है उसकी लाइन सेगमेंट हो सकती है. हम ट्राइंगल को ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ये एक फिगर है जिसकी तीन साइड है और ये जो साइड है ये सारी की सारी क्लोज है, तो ये एक ट्राइंगल होगी. हम एक और फिगर बना सकते हैं, ये फिगर है इसकी भी तीन साइड है और तीनों साइड जो है वो क्लोज है, तो ये भी एक ट्राइंगल है. तो ट्राइंगल को हम ऐसे भी बना सकते हैं. तो कहने का ये मतलब जो ट्राइंगल है वो बहुत सी टाइप्स की ट्राइंगल होती है. आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड जो होती है वो इक्वल होती है, दो साइड जो होगी वो इक्वल होगी, ऐसी ट्राइंगल को हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं. इक्विटेरियल ट्राइंगल होती है जिसकी तीनों साइड जो होगी वो इक्वल लेंथ की होगी, ऐसी ट्राइंगल को हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं. एक ट्राइंगल ऐसी होती है जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो. तो इसे ही को मैं बड़ा बकर के बनाता हूं क्योंकि इसी का यूज होगा हमारा इस चैप्टर में. ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए है, ट्राइंगल बी है, ट्राइंगल सी है. इस ट्राइंगल में हम ए बी सी जो ट्राइंगल हमने बनाई ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री है वो सारा राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड है. ट्रिग्नोमेट्री आइसोसेलेस ट्राइंगल पे अप्लाई नहीं होगी, हमारी इक्विलेटरल ट्राइंगल पे अप्लाई नहीं होगी. किस ट्राइंगल पे अप्लाई होगी? राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होगी. तो ट्राइंगल कैसी होनी चाहिए? एक राइट एंगल ट्राइंगल होनी चाहिए. राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जिसका एक एंगल जो होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री. तो ये जो दूसरी फिगर्स है इनसे हमारा लेना देना नहीं है इस वक्त. हमने जो पढ़नी है हमने सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल को ही पढ़ना है. तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है. अब मेन पॉइंट जो है क्या है, हमें बेस आइडेंटिफाई करनी होती है, हमें परपेंडिकुलर आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. इस फिगर में अगर मैं पूछूं आपको या इस फिगर में पूछूं कि इसमें बेस क्या है, क्या ए बी बेस है या बी सी बेस है या ए सी बेस है, तो अगर मैं पूछूं इनमें से क्या ए बी बेस है, क्या बी सी बेस है या ए सी बेस है, तो हम इसका जवाब जो है वो नहीं दे सकते. हम इस बात का जवाब नहीं दे सकते कि बेस क्या है. सो बेस ऑफ द ट्राइंगल डिपेंड्स अपॉन एंगल. जो बेस होती है ट्राइंगल की वो डिपेंड करती है एंगल पे. क्या एंगल इस सी पोजीशन पे बना है, क्या एंगल इस बी पोजीशन पे बना है, तो ये डिटरमाइन करता है कि बेस क्या है. तो इन दिस ट्राइंगल वी कैन नॉट से ए बी बी सी और सी सी ए इज बेस. हम ये नहीं कह सकते कि बेस क्या है. तो कहने का ये मतलब बेस एंड परपेंडिकुलर, बेस एंड परपेंडिकुलर चेंजेस एज पर एंगल. बेस और परपेंडिकुलर है वो चेंज होते हैं जैसे जैसे एंगल चेंज होता है. जैसे जैसे एंगल चेंज होता है वैसे वैसे बेस और परपेंडिकुलर जो है वो चेंज होता है. तो यहां पर हमारी राइट एंगल ट्राइंगल्स दो बनी है. हम क्या करेंगे, एक में हम पोजिशन ए पे एंगल लेंगे थीटा फिगर वन में और दूसरी फिगर भी ऐसी ही है बट यहां पर हम ए की जगह सी पे एंगल थीटा लेंगे. तो हम ये देखेंगे हमारी जो बेस और परपेंडिकुलर है वो कैसे चेंज हो जाते हैं. तो पहली फिगर में ए पे हमने एंगल लिया फिगर वन में और फिगर बी में हमने सी पे लिया. तब हम ये देखेंगे कि हमारी जो फिगर वन है उसमें बेस क्या है और हमारी फिगर बी में बेस क्या है. पहली बात करेंगे फिगर वन की. फिगर वन जो ट्राइंगल है हमारे पास, इस ट्राइंगल में जो बेस है वो क्या होगी? ए बी. ए बी जो होगी वो क्या होगी? वो बेस होगी. और जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा? बी सी. फिगर सेकंड की अगर हम बात करेंगे तो उसमें जो बेस होगी एंगल कहाँ पर है? सी पे है. एंगल जो होगा वो कहाँ पर है? सी पे है. यहाँ पर एंगल किस पे था? एंगल जो था वो किस पे था? ए पे था. तो यहाँ पर जो है एंगल सी पे. एंगल सी की वजह से यहाँ पर जो बेस होगी वो क्या होगी? बेस जो होगी वो होगी बी सी. परपेंडिकुलर जो होगा वो क्या होगा? ए बी.
ये ए बी जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा, और ये जो होगी वो बेस होगी, यहाँ पर बेस ये और परपेंडिकुलर जो होगा वो ये होगा, इतना क्लियर। तो हमें यहाँ से हम कंक्लूजन निकालने की अगर कोशिश करें तो कंक्लूजन क्या होगा, बेस क्या होती है, जो एंगल के साथ हो, एंगल के एडजेसेंट हो, हम उसे बेस कहते हैं। तो एंगल जो है थीटा, ये क्या करता है, ये डिसाइड करता है हमारी बेस क्या होगी, हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो अगर एंगल ना होगा, नहीं होगा, तो हम बेस और परपेंडिकुलर फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो एंगल थीटा डिसाइड बेस एंड परपेंडिकुलर। तो इस फिगर में एंगल थीटा जो होगा पहली फिगर में एट ए विल मेक ए बी बेस बनाएगा एंड परपेंडिकुलर बी सी। इन फिगर सेकेंड एंगल थीटा इज एट सी, बेस इज बी सी, बी सी इज द बेस एंड परपेंडिकुलर इज द ए बी। तो बेस जो होगा वो बी सी होगा, एंगल कहाँ पर होगा, एट सी होगा। तो ये हमारा जो है कंक्लूजन है। तो ये जो है फाइंड आउट बेस और परपेंडिकुलर आपको आना चाहिए, ये आपके क्वेश्चंस में आगे यूज होने वाला है ये। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है टोटल कितने हैं, सिक्स इन नंबर। टोटल सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। कौन कौन से रेशियो है, वो साइन है, कॉस है, टेन है, कोसेक है, सेक है, कॉट है। ये हमारे पास जो है छह जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, ये हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे और इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी, ये एंगल जो है 90 डिग्री है ये। तो हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू थीटा रखते हैं एक जगह, या तो ए पे या तो सी पे। थीटा हम लेट अस सपोज यहाँ पर रखेंगे। अब ये थीटा डिसाइड करेगा बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है। इस थीटा के साथ जो होगी वो एडजेसेंट वो बेस होगी, और ये वाला जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो हम कह सकते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा की वैल्यू, ठीक है, इनकी वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, कॉस थीटा होता है बेस अपान सॉरी साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपान हाई पैटिन्यूज, कॉस थीटा इज बेस अपान हाई पैटिन्यूज, टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपान बेस, कोसेक थीटा इज रिवर्स ऑफ साइन थीटा, हाई पैटिन्यूज अपान परपेंडिकुलर, सेक थीटा इज रिवर्स ऑफ कॉस थीटा दैट इज हाई पैटिन्यूज अपान बेस, एंड कॉट थीटा इज रिवर्स ऑफ टेन थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपैटिनस, परपेंडिकुलर ये हाइपैटिनस लॉन्गर साइड को बोलते हैं, डिवाइडेड बाय हाइपैटिनस लॉन्गर साइड। कॉस थीटा का हमें फाइंड आउट करना होगा, बेस अपॉन हाइपैटिनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक थीटा हाइपैटिनस अपॉन बेस, सेक थीटा हाइपैटिनस अपॉन बेस एंड कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस फार्मूले को आपको जो ये जो चार पांच फार्मूले हैं सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है ये आपको याद होने चाहिए, ये आपको याद होने चाहिए। तो इन्हें हम ऐसे भी याद करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब कोसेक हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, नीचे से ऊपर उठले पड़े, सेक हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये एक हमारे पास जो है फार्मूला है इन क्वेश्चंस को याद करने के लिए, इन रेशोस को याद करने के लिए। इन रेशो का पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्री में यूज होने वाला है। तो आई होप ये आपको नोट कर लिया होगा आपने। हमारी पास राइट एंगल ट्राइंगल में एक थ्योरम जो है वो अप्लाई की जाती है, एक ही थ्योरम है। सपोज ये हमारे पास जो है वो बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। आप क्वेश्चंस में हमेशा ऐसी प्रॉब्लम में फंसोगे, आपके पास बेस दी गई होगी, परपेंडिकुलर दिया गया होगा, आपको हाइपोटेन्यूज निकालना होगा, या आपके पास
हाइपोटेन्यूज दिया गया होगा, परपेंडिकुलर होगा दिया गया होगा, बेस निकालनी होगी, तीन में से दो दिए गए होंगे, एक को फाइंड आउट करना होगा। तो हम जो थ्योरम जनरली यूज करते हैं वो क्या होती है, बेस का स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वेयर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वेयर, और हम कह सकते हैं हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस का स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वेयर स्क्वेयर रूट। तो ये जो थ्योरम है ये जनरली हम अप्लाई करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल पे, पैथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से जो है इसका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री में। अब हम एक क्वेश्चन समझेंगे, बेसिक सा क्वेश्चन जो कि आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा सिर्फ बेस और परपेंडिकुलर को। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल यही हमारे पास फिगर है, ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे, हम एंगल नहीं देंगे इस फिगर में, ये एंगल नहीं है। चलिए, इन ट्राइंगल ए बी सी, इसी ट्राइंगल के लिए, इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें एंगल जो बी है वो 90 डिग्री है, मतलब ये ट्राइंगल कौन सी है, राइट एंगल ट्राइंगल, एंड साइड ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ए बी साइड कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर, एंड ए सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ए सी की वैल्यू कितनी दी गई है, 13 सेंटीमीटर। फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल सी। तो हमें कहा गया है फाइंड करना ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं एट एंगल सी, एट एंगल सी। एंगल जो है वो सी पे दिया गया है, सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें एंगल बी जो है 90 डिग्री दिया गया है, साइड ए बी जो है 5 सेंटीमीटर दिया गया है, ए सी जो दिया गया है 13 सेंटीमीटर दिया गए हैं। तो हमें इसी 6 के 6 जो अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखे वो निकालने हैं, बट जो एंगल बन रहा है वो सी पे बन रहा है। अब जो है वो फिगर हमें नहीं दी गई, ये फिगर हमने खुद बनाई है, ठीक है। अब एक बात है, एंगल जो है वो सी पे है बट हमने जो नाम नेमिंग दी है ए बी सी, ठीक है, हम ऐसे भी तो नेमिंग दे सकते थे ए बी सी, तो सी यहाँ पर भी आ सकता था, यहाँ पर भी आ सकता था। तो इससे क्या इफेक्ट होगा, अगर सी को हम यहाँ पर लेते हैं तो बेस जो होगी वो ये बनेगी, ये जो है बेस बनेगी। अगर हम सी को यहाँ पर लेंगे तो ये ए बी जो होगी वो बेस बनेगी, ठीक है। बट आप देखेंगे जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है इनमें कोई भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। हम लेट अस सपोज हम सी को यहीं पर रहने देते हैं और हम क्वेश्चन अपना सॉल्व करेंगे। हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, कोसेक सी थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, कॉस के बाद सेक थीटा की वैल्यू और कॉट थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है ट्रिपलेट का। तो अगर हमारे पास दो साइड दी गई है, एक 5 है और 13 है, तो हमें तीसरी साइड जो है पैथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने के बगैर हम निकाल सकते हैं वो क्या होगी, वो 12 होगी, ठीक है, वो 12 होगी। ये ट्रिपलेट का कंसेप्ट है, ये भी आपको पूरे लेक्चर्स में जो है वो समझाया जाएगा। इन शॉर्ट अभी सिर्फ समझने के लिए जो है वो ये याद रख सकते हो। हाँ, अगर 12 निकालना भी चाहो तो वो भी निकाल सकते हैं। तो ये क्या है, बी सी जो है बेस जो होगी हमारी वो 13 जो है वो लॉन्गेस्ट साइड होगी, 13 है वो लॉन्गेस्ट साइड होगी। अब बेस और परपेंडिकुलर हमें देखना है कि क्या होगा, ठीक है, हमें निकालनी साइड कौन सी है, बी सी। तो ये 5 सेंटीमीटर है तो हम निकाल सकते हैं अपने फार्मूले से बी सी इज इक्वल टू 13 का स्क्वेयर माइनस 5 का स्क्वेयर, 169 माइनस 25 इज इक्वल टू 144 का रूट। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 12 होगी। तो ये जो है सिंपल सा याद रख लेना साइन पर, ये ट्रिपलेट याद रखना 5, 13 और 12। जब आपकी दो साइड 5 और 13 दी गई होगी तो तीसरी साइड होगी आपकी वो हमेशा क्या होगी, वो 12 होगी। ये सारी जो है ट्रिपलेट में आपको लिखाऊंगा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर जो है अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये भी 12 आ गई, 5 अपॉन हाइपोटेन्यूज 13। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन, बेस कितनी हमारे पास है, 12 है, 12 अपॉन 13। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। कॉसेक जो होगा वो क्या होगा, इसका रिवर्स होगा, 13 अपॉन 5,
ये क्या होगा sec 13/12 और ये क्या होगा 5/13। तो ये हमने वैल्यू तब निकाली जब हमने एंगल किस पे माना, सी पे माना। नाउ लेट अस चेंज वैल्यू। अगर हम एंगल इसे सी पे इधर मान लेते हैं और हम इसे ए मान लेते हैं, तो भी क्या वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा? साइन कॉस टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा एंड कॉट थीटा, तो क्या अब यहाँ पर कोई वैल्यू पे फर्क पड़ेगा? ये हमें देखना है। तो हम देखते हैं यहाँ पर भी वैल्यू जो होगी वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर 5 होगा, ये 13 होगा। तो पहले ये बेस थी, अब ये परपेंडिकुलर बन गया 5। ये साइड पहले बेस थी, ये अब सॉरी ये जो साइड थी पहले ये परपेंडिकुलर था 12, और अब यहाँ पर क्या बन गया, ये साइड जो है वो बेस बन गई। तो जो साइड एडजेसेंट टू एंगल होती है वो क्या बन जाती है, बेस। तो यहाँ पर भी 5/13 आ रहा है, यहाँ पर भी 12/13 होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब इनका रिवर्स कर दीजिए। तो हमने ये देखा, अगर हम चाहे एंगल यहाँ पर ले चाहे हम एंगल यहाँ पर ले, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियो उनकी वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो हमारे जो वैल्यू है वो सेम आ रही है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन हम लिखते हैं, इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√5, कॉस थीटा की वैल्यू दी गई है 1/√5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड टेन थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू 1/√5 दी गई है, हमें साइन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास एक फिगर दी गई है, ये इस फिगर में √5 दिया गया है, 1 दिया गया है, ये एंगल है थीटा ए बी सी, इतना सब कुछ दिया गया है। तो हम जानते हैं जो कॉस थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब जो बेस है उसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, √5 है। तो हाइपोटेन्यूज है √5 और बेस जो होगी वो कितनी होगी, 1, मतलब एंगल थीटा यहाँ पर होगा, इतना क्लियर। अब हमें साइड जो है वो बी सी निकालनी है, यानी कि हमें इसका क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। बी सी जो होगा वो किसके बराबर होगा, एक तो डायरेक्टली आप याद रख सकते हैं 1/√5, और जो 2 होता है ये एक ट्रिपलेट बनती है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो 2 होगी, बट निकालनी कैसे है, हमें क्या करना है, √5 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर कितना होगा, √4 जो किसके बराबर होगा, 2 के बराबर। तो साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये 2 आ गया, 2 क्या है, परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेन्यूज √5। टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, एक तो हम कर सकते हैं सीधा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, मतलब 1/√5, सॉरी 2/√5 डिवाइडेड बाई √5/2, √5/1। एक तो हम ऐसे निकाल सकते हैं जो कि 2 होगी वैल्यू। तो इस तरीके से हम साइन थीटा और टेन थीटा की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, या तो डायरेक्टली हम परपेंडिकुलर अपन बेस भी कर सकते थे, परपेंडिकुलर 2 है, बेस 1 है, आंसर 2। तो ये हमने यहाँ पर दो क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट किया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इफ सेक थीटा इज इक्वल टू 25/24, अगर सेक थीटा की वैल्यू दी गई है 25/24, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन ए प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस कॉस ए। सेक थीटा की वैल्यू दी गई है 25/24 और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी, साइन ए प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस कॉस ए। तो आप बोलिए, सबसे पहले जो सेक थीटा होता है किसके बराबर होता है, 25/24 गिवन है, बट 25 क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सेक थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस।
इससे हम क्या समझते हैं, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 25 होगी और बेस की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 24 होगी। अगर हम एक फिगर बना लेते हैं इस तरीके से, अगर हम एक फिगर बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 24 है, बेस की वैल्यू 24 है, यहाँ पर एंगल मान लेते हैं ए बी सी। तो पहले तो हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी होगी। परपेंडिकुलर किसके बराबर होगा, अंडर रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। 625 माइनस 576 आई थिंक, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 49, कितना हो जाएगा 7। तो वो 7 जो है वो वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो गई परपेंडिकुलर की। बट आप ऐसे भी याद रख सकते हैं 25 का, 24 का और उनके साथ जो ट्रिपलेट होती है वो क्या होती है, 7। तो 7 जो होगा वहाँ पर ट्रिपलेट होगा, 25, 24 और 27 जो होता है वो ट्रिपलेट होता है, याद रखते हैं ना। इससे पहले हमने 1 और रूट 5 और 2 एक ट्रिपलेट पढ़ी, ठीक है, तो ये भी याद होनी चाहिए। और इससे पहले जो है हम एक और ट्रिपलेट भी पढ़ चुके हैं, 12 13 5 की ट्रिपलेट जो है वो पढ़ चुके हैं, तो ये याद रख लेना। अब हमें साइन ए कॉस ए माइनस डिवाइड बाई साइन ए माइनस कॉस ए निकालना है। साइन ए की वैल्यू कितनी होगी, 7/25 प्लस 24/25 डिवाइडेड बाई 7/25 माइनस 24/25। 7 क्या है यहाँ पर, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर जो हमने वैल्यू निकाली वो 7 है, डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज 25। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस जो है 24 है, हाइपोटेन्यूज 25। तो साइन ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए माइनस कॉस बी इज इक्वल टू 25। एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा, 31/25, इतना क्लियर। और 24 में से 7 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, कितना बचेगा, एलसीएम जो होगा वो 25 होगा, तकरीबन 17 होगा, वो भी नेगेटिव में आएगा। 25 25 कैंसिल हो जाएगा, जो आपका आंसर होगा -31/17 जो होगा वो आपका आंसर होगा। तो इसकी जो वैल्यू है साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, इसकी वैल्यू जो होगी ये होगी। तो आई होप इसमें जो है हमने जो बेसिक जो क्वेश्चन किए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन किए, ये आपको क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम और क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल एडवांस लेवल तक जाएंगे। ये जो है ट्रिपलेट का कंसेप्ट होता है ये भी समझाया जाएगा आपको, ये कैसे फाइंड आउट करते हैं ये ट्रिपलेट। आपको जितना अगर आपको याद होंगे तो उतने जल्दी आपके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होंगे। जैसे कि हमें यहाँ पर 7 की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी पड़ती, हमको डायरेक्टली जो है वैल्यू पुट करनी थी, तो डायरेक्टली ये स्टेप आप करते हैं अगर आपको ये वैल्यू याद हो, ना ही फिक्र बनानी ना कुछ करना है। चलिए अभी अभी बेसिक है, ऐसा ऐसा आपकी स्पीड जो है वो खुद बनेगी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमें सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे जो है ज़रूर फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।